डियर स्टूडेंट्स, आज के 10 नए क्वेश्चंस फिर से आ चुके हैं। हम लोग इसे अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल रह जाता है कि कल का 10 टॉपिक, जो हम लोगों ने 10 टॉपिक्स लिए थे, वो हुए कि नहीं। चूंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट्स करके ये बताया कि उन्होंने इसे कंप्लीट किया, उम्मीद है कि आप में से भी अधिकतर लोगों ने कंप्लीट किया होगा, और जिनका ड्यूज रह गया फिर जितना जल्द हो सके इस ड्यूज को उतार लें, वरना ये घातक साबित हो सकता है। कोई भी टॉपिक बचा हुआ रहना सही नहीं है, संभव है कि इससे प्रश्न आ जाए तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन अगर इन टॉपिक्स को आपने किया है तो हमारे 5 क्वेश्चंस के आप जवाब दें, ताकि पता चले कि आपने किस स्तर से, किस ढंग से इसे कंप्लीट किया है। हमारे 5 क्वेश्चंस हैं। आज के पहला क्वेश्चन मौर्य काल से, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक तीन बड़े शासक हुए मौर्य काल के। आपको बताना है कि अशोक का पिता बिंदुसार, उसके शासन के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को भेजा। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए अशोक भेजा गया, ये किस बुक से, किस टेक्स्ट से इसकी जानकारी मिलती है? दूसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। हम लोगों ने कल आइलैंड लिया था, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। आपको बताना है कि लक्षद्वीप का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तीसरा क्वेश्चन साइंस का, मिक्सो वायरस, कल डिजीजेज हम लोगों ने लिया था, मिक्सो वायरस किस रोग का कारण बनता है? चौथा क्वेश्चन प्रेसिडेंट से, भारत के वे एकमात्र राष्ट्रपति जो सेकंड काउंटिंग में, द्वितीय मतगणना में राष्ट्रपति चुने गए। एक ही बार ऐसा केस आया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से प्रेसिडेंट का चुना होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। ये कौन प्रेसिडेंट थे जो 50+ पहली वोटिंग में नहीं लाए? इसलिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में 50+ वोट परसेंटेज उन्हें लाना होता है। तो ये कौन राष्ट्रपति थे जो सेकंड काउंटिंग में, द्वितीय मतगणना में जीते? और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, उससे संबंधित है। आपको बताना है कि जो नेशनल कैलेंडर है, राष्ट्रीय हमारा जो कैलेंडर है, वो 22 मार्च 1957 में अडॉप्ट किया गया। शका जो कैलेंडर है, शक संवत पर आधारित है, 78 ईस्वी में शक संवत आया था। आपको बताना है कि इस कैलेंडर का पहला और आखिरी महीना क्या है? 5 क्वेश्चंस, इनके जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दें, ताकि हमें पता चले कि आपने एकदम टाइम नहीं लेना है, एट द अर्लीस्ट आपको विद इन हाफ एन आवर इसके आंसर्स आपको देने हैं। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं। चलिए आज के 10 टॉपिक्स, जो एक्चुअली आज 12 हो गए हैं, 2 टॉपिक्स, एक जनगणना के बाद एक और टॉपिक आज से बढ़ जाएगा। आज से हम लोग करंट का टॉपिक भी करेंगे, ये प्रतियोगिता दर्पण पर बेस्ड होगा। देखिए, किसी एक को तो आधार मानना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग अलग अलग मैगजीन्स, अलग अलग बुक्स लेते हैं। किसी एक को हम आधार मानकर चलेंगे, तभी हम लोग यूनानिमसली किसी टॉपिक पर यूनानिमसली एकमत होकर आगे बढ़ पाएंगे। प्रतियोगिता दर्पण सदा ही एक अच्छा मैगजीन करंट अफेयर्स का रहा है, खासकर हिंदी भाषी लोगों के लिए। इंग्लिश वाले लोग भी लेते हैं, लेकिन एक को तो इसमें 3-4 तो नहीं ले सकते। तो प्रतियोगिता दर्पण भी अगर आप कम से कम कर लेते हैं, तो 0 से कम बेटर होगा, बिल्कुल नहीं से हाँ होगा। प्रतियोगिता दर्पण हम लोग कर रहे हैं जनवरी से, बिल्कुल जनवरी के प्रतियोगिता दर्पण से रिसेंट तक हम लोग करेंगे प्रतियोगिता दर्पण। आपको ये मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण कहीं से भी, चाहे ऑनलाइन आप देख लें, आपको अरेंज करना होगा। इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आज हम लोग ले रहे हैं, आपको इसका नेशनल और इंटरनेशनल, इसका शुरू से जो पेजेस होते हैं उसमें खेल, समसामय की बहुत सारी बातें होती हैं, नवीनतम, आर्थिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ये सब उसके सेक्शंस होते हैं। आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ये जनवरी 2018 के प्रतियोगिता दर्पण से करना है। हम लोग कल इस पर बातें करेंगे, तो ये आज करेंट का एक टॉपिक एडिशनल ऐड होगा। चलिए आज का पहला टॉपिक देखते हैं कौन सा है। पहला टॉपिक है अगेन मौर्य काल से। कल ही हमने कह दिया था कि मौर्य काल बड़ा है, अब इसका दूसरा पार्ट आपको करना है आज। ये पार्ट होगा दरअसल इसका आर्थिक, सामाजिक, यानी प्रशासन आपको कंप्लीट करना है, जिसमें आपको ये जानना है कि किस तरह की भूमि थी, अलग अलग प्रकार की भूमि थी, अधिकारी जो थे वो उनके नाम क्या थे, पौतवाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, तौल का अधिकारी कौन था, ये सारी बातें आपको अधिकारियों के नाम जानने हैं। अदेव मात्रक कैसी भूमि थी, बिना बारिश
जहाँ बारिश भी नहीं हो, जहाँ किसी तरह का कोई सहायता प्राप्त ना हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर खेती होती थी, तो ऐसी भूमि को आदेव मात्र कहते थे, यानी बिना बारिश के अच्छी खेती की जाने वाली भूमि। तो इस तरह से आपको जानना है अलग अलग अधिकारियों का क्या वेतन था। सबसे टॉप मोस्ट जो ऑफिसर थे उनका उनकी सैलरी क्या थी, सबसे नीचे वाले की सैलरी क्या थी, सोने का सिक्का क्या कहलाता था। तो इस तरह से गुप्तचर यानी जासूस उसे क्या कहते थे। तो ये सब आपको करना है, यानी प्रशासन करना है, अर्थव्यवस्था करना है और सामाजिक स्थिति, कला, आर्ट, ये सब आपको इस मौर्य काल में करना है। आज अगर आप ये कर लेते हैं तो मौर्य काल का एक बड़ा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा हमारा मॉडर्न इंडिया से जो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग ले रहे हैं वो है ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास। ये टॉपिक आपको करना है, ब्रिटिश काल में किस तरह से एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। चूँकि मैकॉले तो अंग्रेज़ी शिक्षा, ब्रिटिश एजुकेशन की बात करता था, इंग्लिश एजुकेशन, लेकिन आपको जानना है कि अलग अलग वुड डिस्पैच क्या था, सैटलर कमेटी कैसे आई, अलग अलग वर्धा प्लान क्या था, इसे आपको पढ़ना है। लेकिन ध्यान रखें कि ये दरअसल जो पेज नंबर यहाँ पर दिए जा रहे हैं उसमें लूसेंट में ये टॉपिक अलग से नहीं मिला। लूसेंट में बॉक्स बनाकर बहुत सारी कमेटियों का नाम दिया हुआ है, उसी में वुड डिस्पैच भी है, उसी में सैडलर कमेटी है, वर्धा प्लान है, ये सब है, लेकिन ये टॉपिक अलग से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया हुआ है। तो लूसेंट वाले जो है वो नेट से इसे कंप्लीट कर लें, चूंकि लूसेंट में ये टॉपिक डील नहीं किया हुआ है, बॉक्स में एक दो कमेटियों के नाम दिए हुए हैं, लेकिन क्राउन और यूनिक में दो पेजेस हैं जो उनके वो दिए जा रहे हैं। तीसरा है हमारा स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर। ज्योग्राफी में आप लिथोस्फीयर करेंगे, स्थल मंडल यानी लेयर्स जो हैं पृथ्वी के अलग अलग लेयर्स, आपको सियाल, सीमा, नीफे, ये सब आपको करना है, कौन सा खनिज, कौन सा मिनरल, कौन सा धातु, कौन सा अधातु कहाँ पे मिलता है, किस लेयर में मिलता है, क्या उसकी महत्ता है, ये आपको करना है ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। उसके बाद नेशनल में हम लोग कर रहे हैं दरअसल अपने जो भारतीय भूगोल है उसमें स्थलाकृतियाँ करेंगे। ये भी दरअसल वर्ल्ड कंटेक्स्ट में ही है, लेकिन ये स्थलाकृतियाँ मतलब लैंडफॉर्म्स जो बनती हैं नदी, ग्लेशियर और हवाओं के द्वारा, मिट्टियाँ उड़ाकर या पहाड़ों को काटकर, इस तरह के इरोजन और एब्रेजन से बहुत सारी नई संरचनाएं बन जाती हैं टेम्प्रेरली। जैसे ड्रमलिन क्या है, यू आकार की घाटी क्या है, वी आकार की घाटी क्या है, गॉर्ज क्या है, है ना, मिएंडर्स क्या है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्थलाकृतियाँ, जो नदियों और ग्लेशियर्स यानी हिम नदी और वायु हवा के द्वारा, हमने तीन लिया है समुद्री जलधाराओं और आंतरिक जो है जल उसके उससे हमने छोड़ दिया है। ये तीन से आप करें, नदी, ग्लेशियर और हवाओं के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, ये आपको याद करना कि नदी के द्वारा कौन सा स्थलाकृति बन जाता है, हिम नदी से कौन सा बन जाता है और हवाओं के द्वारा, अलग अलग नाम आपको एक बॉक्स में इसे याद करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है साइंस में आवर सारणी, पीरियोडिक टेबल हमने लिया है, इंपॉर्टेंट है देखिए केमिस्ट्री का, अगेन पीरियोडिक टेबल यानी जितने भी तत्वों की खोज हुई है उन्हें सजा कर जब रखा गया है, मेंडलिफ के बाद मोसले साहब ने इन्हीं तत्वों को उनके एटॉमिक नंबर पर के हिसाब से सजाया है, परमाणु क्रमांक के हिसाब से, तो ये इनके जो ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं, उन्हें आपको जानना है। जीरो ग्रुप में कौन से एलिमेंट रखे हैं, उनका नाम क्या कहलाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी क्या है, तो ये सब आपको, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, संयोजकता, ये दरअसल आप टॉपिक पढ़ेंगे, पेज नंबर दिए जा रहे हैं, आपको अंदाज लग जाएगा, तो ये आप करें। नेक्स्ट साइंस का एक और टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो है बॉटनी का, जूलॉजी और बॉटनी हम लोग कर रहे हैं बायोलॉजी में, आज बॉटनी का टॉपिक है मॉर्फोलॉजी, अकारिका जिसे हिंदी में कहते हैं, यानी पेड़ जो हैं उनमें जड़, तना, स्टेम, उसके बाद लीफ, पत्तियां और फ्लावर्स यानी फूल, ये सब कैसे बनते हैं, किनका रूपांतरण है, ये जड़ क्या करता है, पत्तियां कैसे निर्मित हो जाती हैं, ये किसका रूपांतरण है, स्टेम किस बीज के किस रूप से बनता है, तो ये आपको जानना है। जड़, बहुत सारे जड़ हैं जो हवा में झूलते रहते हैं, एयरी रूट्स, तो इनका एग्जाम्पल क्या है, तो ये सब आपको करना है। फूल के किस अपार्ट से फल बन जाता है, तो ये सब आपको इसमें मॉर्फोलॉजी में, अकारिका में, अकारिकी में आपको पढ़ना है, यानी बॉटनी का ये टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन पॉलिटी का है, संसदीय समितियाँ यानी पार्लियामेंट्री कमेटी,
यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, प्राकलन कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, लोक उपक्रम कमेटी, पांच कर लें आप, ये तीन हो गए, दो हो गया आपको कार्य मंत्रणा कमेटी और नियमन कमेटी, पांच कर लें, लोक लेखा, प्राकलन, सरकारी उपक्रम, कार्य मंत्रणा कमेटी और नियमन कमेटी, पांच कर लें, ये कमेटियां हैं। इसे आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी भी सर्च कर करके। तो ये अलग अलग कमेटियां हैं, इनका क्या महत्व है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक लेखा समिति, पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो ये आप कमेटियां करेंगे पॉलिटिक्स। नेक्स्ट आइए, पेजेस नंबर दे दिए जा रहे हैं, नेक्स्ट है, उसके बाद आठवां जो टॉपिक है वो इकोनॉमी का है, इंडस्ट्री है, उद्योग हमने लिया है, ये बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडस्ट्री यानी उद्योग, औद्योगिक नीति पहली कब आई, किस योजना में हमने औद्योगिकरण को अपनाया, कौन महारत्न है, मिनी रत्न है, कौन नवरत्न है, ये जानना है। कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट कॉटेज इंडस्ट्री के लिए चाहिए, ये सब आपको इसमें करना है, उद्योग में शॉर्ट में करें। यूनिक में बहुत बड़ा दिया हुआ है, थोड़ा सा बहुत वास्ट कर दिया है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा, ये हमने जितना बता दिया उतना आप कर लें, शॉर्ट में करें। सबसे अच्छा क्राउन में दिया हुआ है, बहुत शॉर्ट में, एनीवे लुसेंट में भी अच्छा दिया हुआ है, लेकिन आपको इनमें यूनिक में काफ़ी बड़ा है, तो ये ध्यान रखकर करें। नेक्स्ट आइए, ये है हमारा यूनेस्को, एक ऑर्गेनाइजेशन हमने लिया है यूएनए का, ये सिस्टर कंसर्न है यूनेस्को, इसे हमें करना है। ये पेज नंबर दिए जा रहे हैं, लुसेंट में तो बिल्कुल शॉर्ट में दिया हुआ है, सिर्फ स्थापना दे दिया है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है बस, लेकिन इसे में क्राउन में थोड़ा सा डील किया है, लेकिन इसमें आपको समझना है, थोड़ा सा और पढ़ने का प्रयास कीजिए कि यूनेस्को किस तरह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह चुनती है, ये सब जानने का प्रयास करना है। भारत में सबसे पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसने किसे घोषित किया, तो ये आप यूनेस्को कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट, बिहार की न्यायपालिका जुडिशियरी हम लोग करेंगे, कार्यपालिका विधायिका हो चुका है, जुडिशियरी करना है, आप थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें, पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा। अगला टॉपिक है अगेन जनगणना, लेकिन इस बार पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व हम लोग करेंगे, याद रखें जनसंख्या घनत्व, ये याद रखें कि बिहार के कंटेक्स्ट में भी आप करें, बिहार का क्या पोजीशन है जनसंख्या घनत्व में, टॉप तीन स्टेट्स कौन से हैं, देश का, भारत का जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, बिहार का कितना है, इस तरह से आप करें। और 12वां और अंतिम टॉपिक आज हमने ऐड किया है, एक और ऐड हो गया, लेकिन अगर आप इसे करते जाएंगे तो बड़ा काम का ये साबित होने वाला है। करेंट अफेयर्स के लिए कुछ तो करना है आपको, एक पेपर आपको पढ़ना चाहिए, एक पेपर, कोई भी पेपर जो भी आपके पास है आप उसमें पढ़ें, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स और राज्य का, बिहार का, तो ये आप करें। प्रतियोगिता दर्पण में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जनवरी महीने का 2018 का हम लोग कल उससे सवाल पूछे जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि कल, होपफुली कल, उम्मीद है कि कल आपका लिटमस टेस्ट दूसरा एपिसोड आएगा, जिसमें जो कल के एपिसोड हैं मौर्यकाल वाले, तो ये आपका इससे पीएच वैल्यू वगैरह जिसमें है, यानी एपिसोड नंबर संभवतः 37 देख लें, इसमें जिसमें पीएच वैल्यू है, मौर्यकाल है, ये सब माउंटबेटन प्लान है, ये यानी कल वाला टॉपिक है, उस पर लिटमस टेस्ट कल 30 क्वेश्चंस का आएगा, तो आप इसे रिवाइज अच्छे से कर लें, उम्मीद है कि आपके स्कोर्स अच्छे होंगे। आपसे इजाज़त लेंगे, नेक्स्ट अच्छे से एपिसोड के साथ फिर उपलब्ध होंगे आपके साथ, आप तब तक अपनी जो अपना जो किलर इंस्टिंक्ट है उसे बिल्कुल जगा के रखें। टेक केयर।